विद्या भारती हरियाणा एवं हिंदू शिक्षा समिति के तत्वाधान में अमीन रोड स्थित गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हिंदी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम वंदना सभा में विद्यालय प्राचार्य सुमन बत्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी आचार्य सोनिया ने सभी छात्राओं को हिंदी दिवस की बधाई दी तथा हिंदी दिवस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था तथा 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि सभी देशवासी हिंदी भाषा की महत्ता को समझ सके तथा हिंदी भाषा का सम्मान करें। छात्राओं ने स्लोगन, पोस्टर, भाषण, कविता व गीत के माध्यम से हिंदी भाषा की महत्ता को व्यक्त किया। द्वादश कक्षा की छात्रा खुशी द्वारा प्रस्तुत गीत मुझे बचा लो मैं हूँ हिंदी वतन गीत ने सबको भाव विभोर कर दिया। प्राचार्य सुमन बत्रा ने सभी अध्यापिकाओं व छात्राओं को हिंदी दिवस की बधाई दी तथा कहा कि हिंदी भारत की राजभाषा ही नहीं बल्कि भारत माता के माथे की बिंदी है। हमें अपनी राजभाषा पर गर्व करना चाहिए। आज सोशल मीडिया के युग में हिंदी भाषा ने अपने अस्तित्व को और अधिक निखारा है। हिंदी दिवस के साथ साथ विद्यालय में छात्राओं के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता बाल किशोर तथा तरुण चार वर्गों में आयोजित की गई। शिशु वर्ग का विषय प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, बाल वर्ग का विषय मित्रक दुख रज मेरु समाना, किशोर वर्ग का विषय नारी धर्म कछु ब्याज बखाने, तरुण वर्ग का विषय भय बिनु होई ना प्रीति रहे। इस प्रतियोगिता में कुल 250 छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा पूरे देश भर में छात्र छात्राओं के लिए किया जाता है, जिसमें विद्या भारती के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के विद्यार्थी भाग लेते हैं तथा पुरस्कार प्राप्त करते हैं। प्राचार्य सुमन ने हिंदी दिवस कार्यक्रम तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी अध्यापिकाओं को बधाई दी।